शेर पेश करेगा। हम ऑर्गेनाइजर हैं, जो मिलाद कमेटी है, फ्री हो चुके हैं तो लंगर इनके हाथों में आई है। ये आप देख रहे हो हमारे सारे कॉलेज के स्टूडेंट जो है इधर बैठ के खाई जा रहे हैं। बताओ मैं आ जाता हूँ। समीर भाई अस्सलाम वालेकुम। घबराना नहीं है आपने, अगर आपसे खत्म नहीं हो रहा तो मुझे बता दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल तुम जीरो वाइज। आपकी हिम्मत आर्मी एक फिर न्यू लग लेके मीना कल्ला की फजल करम शुक्र के साथ आप सब दोस्त जो खैरियत होंगे। तो आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। आज के ब्लॉग में यार आज हमारे जो कॉलेज है मिलाद है, तो हमने जो है उसमें शिरकत करनी है। तो मैं फुल रेडी हो चुका हूँ मिलाद के लिए। तो मैंने अपने साथ लेकर जाना बाबर भाई को। बाबर भाई को मैंने कॉल किया, उसने कहा मैं रेडी हो चुका हूँ तो आप आ जाएं। तो हमारे साथ जाएंगे बाबर भाई, हो सकता है हमारे साथ सोनू भाई भी जाएं। तो हम जो है तीनों भाई जो है एक बाइक पर ही जाएंगे। तो वहाँ कॉलेज जाकर इंशाल्लाह आपको मिलाद जो है हम दिखाएंगे। बाबर भाई के पास में पहुंचा हूं। बाबर भाई आ गए हैं। सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो सोनू? यू आर रेडी? हां मैं रेडी हूं, बस सोनू के साथ लेके जाना है। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा मैं आ रहा हूं। चला गया। कहां गया? घर गया है। वो बाइक उसकी खड़ी? नहीं ये तो मेरे दोस्त वेव नहीं। हां वो क्लास से लोगो आया। वो अंदर बैठा? हां। तो चलो सोनू भाई की थोड़ी देर है तो हम जो है फिलहाल बैठ जाएंगे बाबर भाई की बैकेट में। उतनी देर उसका वेट करेंगे जब तक वो रेडी नहीं हो जाता। तो बाइक इधर हमने लगा दी है लॉक। इधर हम बैठ जाएं थोड़ी देर वेट करेंगे, जितनी देर वो नहीं आ जाता सोनू भाई। तो साथ हमारे दोस्त मोहम्मद जैब ये भी आएंगे। A few moments later. सोनू भाई को देखा कि वो वेस्टकोट पहन के आया, इस वजह से मैं भी वेस्टकोट पहन रहा हूँ और जुएब भाई जो है वो भी पहन रहे। और बाबर भाई अभी देखा है सोनू भाई की वेस्टकोट पहनी हुई है तो वो घर गया अभी वेस्टकोट वो भी पहने गए। अभी बाबर भाई पहन के आ गए। सो गाइस अभी हम लोग जो है जाने वाले हैं, उधर जुएब भाई जो है अपनी बाइक निकाल रहे हैं, इधर आ गए हैं हमारे साथ सोनू भाई। तो बाइक मेरी आप ही निकालें यार, ये लो चाबी। आइयो वेस्ट कोट उठानी है। मैंने ये वेस्ट कोट पहन लिया है तो सारे चारों भाई जो है वेस्ट कोट में अब आए। पहले एक दिन होता तो मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, इस वजह से अभी चारों ने पहन लिए। मुझे भी अच्छा लग रहा है। अभी हम आ रहे थे तो हमें शाम में मिले हैं, अपना चेहरा छुपा रहे हैं कि उसकी हालत नहीं सही। क्या हाल है? अभी तैयार नहीं हुआ? नहीं मैं ये दिखा अपने बाल दिखा। मैं क्रिकेट खेल रहा था यार। चलो यार चलते हैं मिलाद में। मैं आ रहा हूँ कोई देर। इतने पैसे नहीं अभी अभी इसने तैयार होना है। अभी हम लोग जो यहाँ पर बाइक स्टैंड पर लगाएंगे, पहले भी हम जो यहाँ पर बाइक स्टैंड पर लगाते हैं तो फिर आगे जाएंगे कॉलेज यहाँ पर बाइक स्टैंड पर। ये बाकी बच्चों की बाइक भी इधर खड़ी हुई है। लाद मुझे लगता है शुरू हो गया तो जल्द से जल्द हम कॉलेज पहुँचते हैं। ये रहा हॉस्टल और इधर जो है लंगर का इंतजाम हो रहा है। तो अभी हम लोग जाए इस साइड पे इंटर होने वाले अपने कॉलेज में। आइए बिल्कुल कॉलेज में हमारी अभी इतने बच्चे नहीं आए। ये हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब क्या हमारे उर्दू के टीचर भाई उतार के जाने पर।
पड़ेंगे। तो यार जो तो आ रही ये दो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मिलाद में। इसके लिए भाई हमें आपका साथ भी चाहिए, आपके हमारे साथ करके अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई हस्ती ऐसी है जिसकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाए तो वो आका है दो जहान। आज मुझे जिस मान पर खुशाई करने का मौका मिला है वो है मुकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुल्फ शादी ने तरी कतरों को दरिया कर दिया, दुल्फ शादी ने तरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बिना कर दिया, जिसकी हिकमत ने किया यतीमों को कुल्ले और गुनाहों को जुमान ने फलका मोना। जनाबे सदर सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब कहा गया, यानी ये कुरान मजीद की असल है। नाम हुआ है तो ये बहुत बड़ा है, शेर पेश करेगा। ये ऑर्गेनाइजर है जो मिलाद कमेटी है। अदनान बेग साहब मौजूद नहीं है। मिलाद खत्म हो गया तो यार बाबर भाई को ये मिला है तो चल ये मेरा है। ये मैं खा रहा हूँ। ठीक ठाक की हाल है
ये हमारे कंटीन के आज साहब शुक्रिया यार भर इधर नुमान डोगर साहब कोई चीज नहीं खाई कसम से तो नाश्ता भी नहीं खाया उधर लंगर तकसीम हो रहा है लंगर खत्म हो जाना है जल्दी ले लो यार एक पूरी तूने तो ले लिया थैंक यू सर जी गाइस अब फ्री हो चुके हैं तो लंगर इनके हाथों में ये सोनू भाई के हाथ में मेरा एक बॉक्स है तो कहाँ बैठ कर खाना है पार्क में पार्क में अभी यहाँ पे रुकेंगे फिर और ये आप देख रहे हो हमारे सारे कॉलेज के स्टूडेंट जो है इधर बैठ के खाई जा रहे हैं उधर हाफिज साहिब क्या हाल लंगर मिल गया और सेकंड मिशन आई है माशाल्लाह हाफिज भाई की अपने खुद खाओ इस भाई के खाई जा रहे चावल और जनाब क्या हाल है वो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं सामने अस्सलाम वालेकुम सो अभी हम लोग जो है घर जाने वाले हैं वापस तो बाइक वगैरह निकालते हैं और घर जाते हैं और इधर हमारे कुछ दोस्त और कुछ यार बैठे हुए ना हाफिज भाई क्या सुना भाई ये क्या केले केले नहीं हाँ जी केले एक ही बॉक्स मिला है हाँ जी हमें तो दो दो मिले हैं बस हमारी किस्मत ऐसी बाइक हमने वहाँ पर लगाई हुई है तो बाइक लेके आओ सोनू तुमने ले आनी बाइक हमने निकाल लिया तो अभी हम लोग जाने वाले हैं वापस वापस मतलब नहीं हम जाएंगे पार्क वहाँ बैठ कर खाएंगे बिरयानी जो हमें आज लंगर की तरफ मिली है बहुत मजा है लेकिन एक बात का अफसोस है कि हमें ना लंगर एक डब्बा ही मिला है एक बंदे को सोनू भाई कह रहे थे कि यार हमने ना दो दो तीन तीन लेने तो गाइस अभी हम लोग जो है यहाँ आ गए हैं बोतल हमने साथ ले ली है और साथ हमने बिरयानी ली है तो बिरयानी तो हमने वहाँ मिला से ली है तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर बैठ के खाने वाले हैं कुछ हमारे दोस्त वो आ रहा है काशा भाई शमीर भाई शमीर भाई जल्दी आ जाए इधर आ जाए तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर बैठ के खाने वाले हैं और काशा भाई बैठ जाओ यार भाई और अपना अपना ये बॉक्स लेना ये ना किसी और को उठा ले सोनू भाई लगे हुए हैं तो इधर काशा भाई इधर बावर भाई तो मैंने अभी शुरू नहीं की तो मैं अभी शुरू करने वाला हूँ तो मेरी तरफ तो आई है और वो उधर लेकर आ रहे हैं लेवल है यार जल्दी आओ खा लो नजर नहीं सर बहुत मजा आ रहा है यार पार्क में बैठ के साथ लंगर खा रहे हैं और साथ बोटी पिए जा रहे हैं वो फॉर्च्यून हमारी जा रही है बैठ जाओ समीर भाई पियो समीर भाई बिस्मिल्लाह मजा आया यानी को गर्म ले जाओ अभी ये बोतल है ये तो ख़त्म हो गया मेरा बॉक्स तो काशा भाई भी ख़त्म कर दिया और इधर मैं आऊँ नहीं ख़त्म हो रहा तो बताओ मैं आ जाता हूँ समीर भाई अस्सलाम वालेकुम घबराना नहीं है आपने अगर आपसे ख़त्म नहीं हो रहा तो मुझे बता दें चौदह भाई ये बहुत खुदगर्ज है और इधर नहीं मैं खा लूँगा यार कैसी बात कर रहे हो बस करो आपने सबने पी ली नहीं यार अभी मुझे मैं रहता हूं थोड़ा सा ये देख बोतल के पीछे यार ये झगड़ा कर रहे हैं कैसे जाहिल लोग हैं थोड़ी बुक थी पास चलो यार चलिए फोटो शूट करते हैं फोटो शूट नहीं करता भाई सो गाइस अभी हम जो है खाना से खा लिया तो फ्री हो चुके हैं लंगर सारा हमने खा लिया बोतल भी पी लिया बस ये रहती है तो अभी हम लोग जो है घर जाने वाले वापस तो आज का लोग हम यहीं पर खत्म करते हैं तारक मीन को दीजिए इजाजत ढेर सारा प्यार अस्सलाम वालेकुम तुम जीरो बॉयज़